दिनांक 23 नवंबर वर्ष 2020, दसवीं कक्षा, साइंस वन का यह 6वां चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, प्रकाश का विक्षेपण, ये चार कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे। अपवर्तन के पहले परावर्तन हम जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन का क्या अर्थ है? और आपने देखा होगा कि शीशे के टुकड़े से जो दर्पण है उसकी सहायता से हम लोग सूर्य के प्रकाश किरणों को कैसे फोकस करते हैं हम, तो ये जो उदाहरण है दर्पण के द्वारा या कुछ लोग घड़ी के द्वारा भी देखिए कहीं कहीं प्रकाश की किरणों को फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो उदाहरण है ये प्रकाश के परावर्तन इसे कहते हैं। परिभाषित यदि किया जाए तो हम परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम में यदि गमन कर रही है और गमन करते समय वह किसी परावर्तक पृष्ठभाग से टकरा करके पुनः अपने माध्यम में लौट जाए तो इसी को परावर्तन कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इस डायग्राम में। ये देखिए ये जो कलरफुल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली पानी है, तो यह ये पानी के भीतर ये प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से लाइट निकल रही है। अब इस किरण को आप देखिए, ये किरण पानी में ही गमन कर रही है, पानी में गमन कर रही है और यहाँ पर ये ऊपरी सतह से टकराने के बाद ये फिर से अपने ही माध्यम में लौट आई, फिर से पानी में लौट आई। तो ये इस प्रकार का जो उदाहरण है कि प्रकाश यदि किसी माध्यम में गमन करता हुआ किसी परावर्तक पृष्ठभाग से टकरा करके पुनः अपने माध्यम में लौट आए तो इसे ही परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी प्रकाश किरण यहाँ से निकल रही पानी में गमन कर रही है। अब यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो गई, एक किरण तो हवा में निकल गई, दूसरे माध्यम में चली गई, जबकि दूसरी किरण उसी माध्यम में पुनः लौट आई। तो ये जो है उसी माध्यम में पुनः लौटना ये परावर्तन है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर देना ये अपवर्तन है। तो ये परावर्तन और अपवर्तन में फ़र्क है, अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में ये जब प्रकाश किरण जाती है तो उस समय देखिए उसकी दिशा बदल जाती है, ऐसी सीधी जा रही थी लेकिन यहाँ थोड़ी सी तिरछी हो गई, तो ये अपवर्तन है। अपवर्तन होते समय क्या होगा, माध्यम बदल जाएंगे, ये पानी है, पानी से हवा में चली गई, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चली गई और उस जाते समय उसमें प्रकाश में दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है परावर्तक पृष्ठभाग से टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में लौट आती है, इसे परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये परावर्तन और अपवर्तन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अंतर समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम समझने के लिए कुछ चीज़ें जरा आप समझ लीजिए। ये जो किरण एक माध्यम में गमन कर रही है तो इसे आपातित किरण कहते हैं। टकरा करके किसी सतह से टकरा करके जब वापस से लौटती है ये किरण तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु से ये परावर्तन हो रहा है उस बिंदु पर परावर्तक सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये आपातित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, और उसके बाद ये आपातित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। ऐसे ही ये अभिलंब और ये परावर्तन जो परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं।
तो ये समझने के बाद परावर्तन के नियम अब हम समझ लेते हैं। परावर्तन का पहला नियम है कि ये आपाती कोण और ये परावर्तित कोण हमेशा अभिलंब के विपरीत ओर होते हैं। देखिए, आपाती कोण यहाँ अभिलंब के बाईं तरफ है और परावर्तन कोण यहाँ पर अभिलंब की दाईं तरफ है, विपरीत ओर होते हैं। दूसरा, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों के माप हमेशा बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण भी 30 अंश का होगा। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। और तीसरा नियम, ये आपाती किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये हमेशा एक ही प्रतल पर होगी, एक ही सतह पर होती है। तो ये परावर्तन के नियम हैं जो कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा रिवीजन था जिस पर मैंने अभी चर्चा किया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन की तरफ। तो अपवर्तन में यहाँ पर देखिए कुछ एक कृति दी है, लेकिन कृति इस वर्ष रिड्यूस कर दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, तो इसलिए इससे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ करके समझ सकते हैं। परिभाषा समझ लेते हैं अपवर्तन की। प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तब उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये आपको लिखना है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको लिखनी है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। इस आकृति के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये जो आयत बनी है, ये समझ लीजिए एक कांच है, ये यहाँ पर कांच है। अब देखिए, कांच के बाहर जो है हवा है, हवा, तो यहाँ दो पारदर्शी माध्यम है, एक हवा है और एक कांच है, दोनों ट्रांसपेरेंट है, एकदम पारदर्शी है। अब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये प्रकाश किरण हवा में से कांच में प्रवेश कर रही है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो प्रवेश करते समय क्या हो रहा है, देखिए इसकी दिशा बदल जा रही है, थोड़ा सा ये मुड़ जा रही है, इसे इस ब्लू रंग के ये जो कलर यहाँ पर दिख रहा है इस कलर में जाना था, लेकिन इसके बजाय ये इस तरह से टर्न हो गया, यहाँ पर दिशा बदल गई। कांच के अंदर देखिए, कांच के अंदर तो सीधी गई, हवा में सीधा आ रहा था, आ रही थी किरण, कांच के अंदर प्रवेश करते ही मुड़ गई, मुड़ने के बाद सीधा गई, सीधा जाने के बाद फिर से देखिए कांच से फिर कांच में से फिर हवा में आ रही है, तो फिर से वापस से इसकी दिशा बदल गई, इसके संचरण की दिशा फिर बदल गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। अब हवा में सीधा ही जाएगी, एक माध्यम में तो सीधा ही चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करती है तो उसके संचरण की दिशा बदल जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे ही अपवर्तन कहते हैं, इसे ही अपवर्तन कहा जाता है। तो ये एक अपवर्तन की परिभाषा के नीचे कुछ कृति दी गई है, एक प्रयोग है, वास्तव में ये एक प्रयोग है अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेकिन ये भी ओमिट कर दिया गया है, रिड्यूस्ड है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये लेकिन आपके इसमें साइंस प्रैक्टिकल में है ये। तो पहले तो हम लोग, तो अगला टॉपिक है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम को समझने के लिए इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले ये एक पारदर्शी जो कांच है उसका एक टुकड़ा है, टुकड़े के आसपास जो बाहरी जो माध्यम है वो हवा है। अब यहाँ पर दो माध्यम है, एक हवा और दूसरा कांच। कांच कौन सा है, पारदर्शी कांच जिसमें से आर पार दिखाई देता है, ऐसा कांच है ये। अब देखिए यहाँ हवा से होते हुए एक प्रकाश किरण कांच में प्रवेश कर रही है, तो ये जो किरण आ रही है, ये जो आती हुई किरण है,
इसे ही आपातिक किरण कहते हैं। तो ये जो किरण ए बी है ये क्या है, आपातिक किरण है। अब कांच के अंदर प्रवेश करते समय ये सीधे जाने के बजाय यहाँ पर मुड़ गई है, तो ये जो मुड़ गई है इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है ना, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। फिर कांच से जब हवा में बाहर निकल रही है तो फिर से इसकी दिशा मुड़ गई, बदल गई है, मुड़ गई थोड़ा सा, तो ये निर्गत किरण है। तो आपाती किरण, आपाती किरण, अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण है, ये तीन प्रकार के किरणें हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। फिर देखिए यहाँ पर जिस बिंदु से किरण, हवा से किरण कांच में प्रवेश की, उस बिंदु से कांच की सतह पर जो लंब खींचा है उसे अभिलंब कहते हैं। ऐसे ही कांच से हवा में निकलते समय जिस बिंदु से प्रकाश किरण बाहर निकली है हवा में, उस बिंदु से कांच की सतह पर जो लंब है उसे अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पर कोण कैसे बनते हैं, देखिए ये अभिलंब और आपाती किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई लिखा जाता है क्योंकि इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, इमर्जेंस, तो इसलिए आई अक्षर से दर्शाया जाता है। फिर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, इसलिए इस कोण को आर अक्षर से दर्शाया जाता है। अब ये वापस से आपतन हो रहा है, फिर से किरण आ रही है यहाँ, तो ये एक और आपतन कोण बना यहाँ पर। तो ये आपतन कोण बना, उसके बाद में देखिए निर्गत किरण है, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो है, उसे ई अक्षर से दर्शाते हैं, क्योंकि निर्गत कोण को इंग्लिश में इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, तो ये ई अक्षर से दर्शाया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण, तो आई, आर और ई ये दर्शाया गया है। ये अभिलंब है, आपाती किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। तो ये सब टर्म्स आपको याद रखने हैं ताकि ये अपवर्तन के नियम आपको समझ में आए। अब आप समझ लेते हैं अपवर्तन के नियम। सबसे पहला नियम है, देखिए आप आपतित किरण, जिसे मैं आपाती किरण भी कह रहा था, आपाती किरण भी कह सकते हैं, ये आपतित यानी कि आती हुई जो किरण है, आपतित किरण और अपवर्तित तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु N पर स्थित अभिलंब अर्थात CD के विपरीत ओर होते हैं और वे तीनों एक ही प्रतल में होते हैं, अर्थात आपती किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। देखिए ये पहले नियम में ही दो बातें आपको बता दी गई हैं, दो पॉइंट, एक ही पॉइंट में यहाँ दो नियम बताए गए हैं, ये यहाँ से मैं बताता हूँ आपको। पहला तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण ये अभिलंब के विपरीत ओर होते हैं। देखिए ये आपतित किरण अभिलंब के बाईं तरफ है और जो अपवर्तित किरण है वो इस अभिलंब के दाईं तरफ है। तो फर्स्ट पॉइंट में पहले तो ये समझाया गया है, पहला नियम ये है कि हमेशा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये दोनों किरणें अभिलंब के विपरीत ओर होंगी, पहला नियम। और उसी में दूसरा नियम क्या है कि ये जो तीनों हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये हमेशा एक ही प्रतल में होंगे, एक ही प्रतल यानी कि एक ही तल में होंगी। देखिए ये जो किरण है ये भी किताब के पेज में ही है और ये आपतित अपवर्तित किरण ये भी किताब के पेज में ही के ही ऊपर रहेगी और अपवर्तित किरण ये भी किताब के पेज पर ही रहेगी, तीनों किताब के पेज पर ही एक ही तल पर है। तो यही यहाँ पर बातें समझाई गई हैं कि विपरीत ओर होती हैं, कौन विपरीत ओर, अभिलंब के विपरीत ओर कौन होती हैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर होती हैं,
और दूसरा ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं दूसरा। और ये फर्स्ट पॉइंट में ही दो नियम बता दिए हैं। तो अब दूसरा नियम क्या है कि हवा और कांच यानी ये दो जो माध्यम हैं, किसी भी दो माध्यम युग्म यानी कि जोड़ी हवा और कांच जैसे दो माध्यम में कोई भी दो माध्यम यदि हैं तो साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ आई का मतलब आपतन कोण है और आर का मतलब अपवर्तन कोण है। तो ये देखिए आई और आर, भले कि भी आप एंगल को चेंज कर दीजिए, एंगल बड़ा छोटा कोई भी एंगल ले लीजिए, लेकिन साइन आई और साइन आर का यदि आप अनुपात निकालोगे तो हमेशा स्थिर ही रहेगा, उसका एक ही आंसर आएगा हमेशा। तो ये तीन नियम यहाँ पर समझाए गए हैं। पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण हमेशा अभिलंब के विपरीत और होते हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही प्रतल में होते हैं, दूसरा कोई भी दो माध्यम के लिए हमेशा साइन आई और साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। तो ये था अपवर्तन के नियम। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अपवर्तनांक। अभी आपने देखा कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, तो थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो ये जो प्रकाश का मुड़ना है, तो ये जो प्रकाश का मुड़ना है ना ये उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है कि वो प्रकाश किरण कितना मुड़ेगी। यदि अपवर्तनांक कम है, माध्यम का अपवर्तनांक कम है, तो प्रकाश कम मुड़ेगी, प्रकाश की जो किरण है उसमें उसकी दिशा में परिवर्तन थोड़ा कम होगा, थोड़ी सी कम झुकेगी। लेकिन यदि माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज़्यादा है तो प्रकाश की किरण उस माध्यम में प्रवेश करते समय ज़्यादा झुकेगी, उसकी दिशा में परिवर्तन ज़्यादा होगा। तो ये इस तरह से हर जितने भी पारदर्शी माध्यम है सबका अलग अलग अपवर्तनांक होता है, और अपवर्तनांक के ऊपर ही निर्भर होता है कि प्रकाश के किरणों का कितना अधिक या कम अपवर्तन होगा। देखिए यहाँ हवा का अपवर्तनांक, बर्फ़ का अपवर्तनांक, पानी का, अल्कोहल का, तो हर एक माध्यम का देखिए अपवर्तनांक निश्चित होता है, और इसी अपवर्तनांक पर निर्भर होता है कि प्रकाश का कितनी मात्रा में अपवर्तन होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर होता है, और अपवर्तनांक किस पर निर्भर होता है, माध्यम में प्रकाश के वेग पर अपवर्तनांक निर्भर होता है। अब वेग क्या है, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्रकाश जिस वेग से हवा में जा सकता है क्या उसी वेग से कांच के गुटके में जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि हवा विरल है और कांच सघन है, जितना ही घन तो ज़्यादा होगा माध्यम का, प्रकाश का वेग उतना कम हो जाएगा। हवा में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा, कांच में हवा प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। सभी माध्यमों के लिए क्या प्रकाश का वेग समान होगा, बिल्कुल नहीं, सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होगा, और इसी प्रकाश के वेग पर ही माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर होता है। जितना घनत्व ज़्यादा होगा माध्यम का उतना ही प्रकाश का वेग उसमें कम होगा और अपवर्तनांक भी उसमें ज़्यादा होगा। उस अब जैसे यहाँ देख लीजिए हवा बर्फ़ की अपेक्षा विरल है, उसकी घनत्व तो कम है, हवा का घनत्व तो बर्फ़ से कम है, तो देखिए यहाँ जो अपवर्तनांक है वो भी हवा का बर्फ़ से कम है। तो जितना पतला माध्यम होगा उतना अपवर्तनांक कम होगा, यानी प्रकाश की दिशा उतनी कम चेंज होगी, कम बदलेगी, प्रकाश थोड़ा कम मुड़ेगा ऐसे माध्यम में। तो ये अपवर्तनांक निकालने का एक तो दो सूत्र है, एक तो ये सूत्र है देखिए साइन आई बटे साइन आर,
ये यहाँ पर इस सिंबल से यहाँ दर्शाया गया है, स्थिरांक यानी ये हमेशा स्थिर रहेगा, हमेशा ये फिक्स आएगा कोई भी एक जोड़ी माध्यम के लिए, हमेशा साइन आई साइन आर हमेशा स्थिरांक स्थिर ही होता है, और इसी अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो ये भी सूत्र है अपवर्तनांक निकालने का, साइन आई बटे साइन आर निकाल यदि निकालेंगे तो वो अपवर्तनांक आएगा। तो यहाँ ये जो स्थिरांक एन है इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहाँ पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम कांच है, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो कोई यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है स्नेल का नियम क्या है, तो एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, स्थिरांक एन को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, यही स्नेल का नियम है। फिर यहाँ एक जानकारी और दी है कि दो माध्यमों की सीमा पर लंबवत आपतित किरण उसी रेखा पर आगे जाती है, यानी कि देखिए ये किरण जो है, ये किरण जो AN जो है वो अगर यहाँ सीधा लंब हो, ये अभिलंब की दिशा में ही आए, जो आपतित किरण है वो यदि लंब हो कांच पर तो वह सीधा निकल जाएगी, उसमें अपवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए I बराबर भी ज़ीरो होगा और R बराबर भी ज़ीरो ही हो जाएगा, तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि दो माध्यमों की सीमा पर लंबवत आपतित किरण, आपतित किरण यदि लंबवत हो तो I ज़ीरो होता है और वो जो किरण है प्रकाश की वो उसी रेखा पर आगे निकल जाती है। ये आपतित किरण लंबवत है, यदि लंबवत है तो उसी रेखा से आगे निकल जाती है, उसमें I और R दोनों ज़ीरो रहता है। ये अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है। अब ये भी सब कैंसिल किया गया है, ये सिर्फ यहाँ ये एक ही कॉलम है हवा से लेके केरोसिन तक, सिर्फ ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी ये अन्य सभी माध्यमों का से संबंधित सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ हवा से लेके केरोसिन तक के ये जो माध्यम और अपवर्तनांक दिया है इससे संबंधित प्रश्न ही आपके पास रहेंगे यहाँ पर, बाकी ये जो अन्य माध्यम और उसके अपवर्तनांक दिए हैं वो इस वर्ष परीक्षा में नहीं रहेंगे। अब अपवर्तनांक ज्ञात करने का एक और सूत्र है, एक सूत्र तो मैंने अभी आपको बताया साइन आई बटे साइन आर, इसकी सहायता से भी अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा एक सूत्र है कि यदि अपवर्तनांक निकालना है तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के यदि वर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का यदि अपवर्तनांक निकालना है तो इसका सूत्र है पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है वो आप जरा समझ लीजिए। देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम यहाँ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं, तो ये टू यहाँ पर आएगा, वन और टू को चेंज कर दीजिए, टू इधर होना चाहिए, वन ये साइड में होना चाहिए, तो हम इसे कहेंगे ये जो यहाँ पर ये जो सिंबल लिखा है इसे हम कहेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, जबकि वन अगर टू के जगह पे हो, टू वन के जगह पे हो तब इसे कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिया है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, वन इधर होना चाहिए और टू इधर होना चाहिए, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग V1
V1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग V2 है। अब यहाँ देखिए ये चेंज कर दिया यहाँ पर, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले, अच्छा यहाँ पर ये उल्टा थोड़ा सा हो गया है, अगर ये इस तरह से लिखा जा रहा है 1 और 2 तो इसे कैसे पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसका सूत्र होगा V1, पहले 1 है तो V1 आना चाहिए, फिर 2 है तो V2 इधर आना चाहिए, V1/V2 हो जाएगा ये। ऐसे देखो अगर किताब को ये यहाँ पर इस ये जो लिखा है इसे कैसे पढ़ेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ 2 पहले है तो यहाँ दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग आएगा यानी V2, फिर 1 यहाँ बाद में है तो इसलिए पहले माध्यम में प्रकाश का वेग ये नीचे लिखना है V1। ये नहीं समझ रहा है तो वीडियो बार बार इसको रिपीट करके आप सुनिएगा, ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है, ये करेक्शन करना है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर हम समझ लेंगे कि प्रकाश की किरण कब जो है झुकती है और कब जो है अभिलंब से दूर हो जाती है। यहाँ पर देखिए अभिलंब की तरफ झुक रही है, अभिलंब की तरफ, अभिलंब से नज़दीक आ रही है किरण, ये अपवर्तन होने के बाद में जो किरण है अभिलंब के नज़दीक आ रही है, जबकि यहाँ पर देखिए अपवर्तन होने के बाद ये किरण अभिलंब से दूर जा रही है, जबकि यहाँ एक ही दिशा में आ रही है। तो ये कब होता है ये ज़रा समझ लेते हैं। पहली बात तो आप समझ लीजिए, माध्यम 2 प्रकार के हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल यानी कि पतला माध्यम और सघन यानी कि थोड़ा सा जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो सघन माध्यम है, यानी थोड़ा सा मोटा। जैसे हवा विरल माध्यम कह सकते हैं, कांच या बर्फ सघन माध्यम हो गया। तो देखिए जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो हमेशा अपवर्तन होते समय वो अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और इसी का ठीक उल्टा यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ तो याद रहेगा आपको ये। जैसे हम लोग भी विरल माध्यम आप समझ लीजिए कि जहाँ पर भीड़ कम है, और सघन माध्यम यानी बहुत घनत्व तो ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो हम लोग भी देखिए कम भीड़ वाले जगह पे खड़े हैं तो एकदम फ्री खड़े रहते हैं, और जैसे ही भीड़ वाले किसी स्थान पे जाते हैं, मान लो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन में खचाखच भरी हुई ट्रेन में घुस रहे हैं तो हम भी दब जाते हैं। किरण भी वैसे ही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो थोड़ी सी दब जाती है अभिलंब की तरफ, और वैसे उल्टा है, ट्रेन से जब हम बाहर आते हैं तो कैसे हम फिर से फैल जाते हैं, बिखर जाती हैं सारी भीड़, दूर दूर चले जाते हैं। तो वैसे देखिए ये भीड़ सघन माध्यम में प्रकाश किरण है अभी, और विरल माध्यम में आ गई, हवा में आ गई, तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है, जैसा कि हमारे साथ भी होता है वैसा ही प्रकाश के केस में भी है। और ये तीसरा केस मैंने आपको समझाया था कि आपाती किरण यदि लंबवत प्रवेश कर रही है किसी माध्यम में तो उसी रेखा में सीधा निकल जाता है, वहाँ पर किरण अभिलंब की ही दिशा में निकलती है, वहाँ पर अपवर्तन होता ही नहीं है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण सब ज़ीरो होता है। वही चीज़ें यहाँ पर नीचे समझाई गई हैं जो मैंने अभी आपको बोला, तो आप टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस अपवर्तन के कारण ही प्रकृति में कई घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना हो गया, तारों की आभासी स्थिति हो गई, फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी अपवर्तन के कारण कुछ विशिष्ट घटनाएं दिखती हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अपवर्तन का प्रकृति में क्या उदाहरण देखने को मिलता है वो समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अपवर्तन के कारण
तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, और ये कैसे होता है इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास की जो हवा है वो थोड़ी घनी होती है, क्योंकि उस पर धूल और दूसरे जो गैसें हैं वो मिक्स होती हैं, इसके कारण यहाँ हवा थोड़ी घनी होती है, सघन होती है हवा। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के वायुमंडल से दूर होते जाते हैं, हवा विरल होती जाती है। तो तारा जो होता है वो विरल में होता है, यानी कि वहाँ हवा होती ही नहीं है, तो विरल माध्यम है वहाँ पर। तारा जो है विरल माध्यम में होता है, और उसमें से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो वह सघन माध्यम में प्रवेश करने लगती है, यानी वायुमंडल सघन है यहाँ। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते समय यहाँ पर अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, उसकी दिशा बदल जाती है। तो अब ये जो वायुमंडल है यहाँ पर तापमान और घनत्व तो ये बार बार बदलता रहता है, जिसके कारण अपवर्तन भी बार बार, जो अपवर्तनांक है वायुमंडल का वह भी बार बार बदलता रहता है। तो जिसके कारण तारों का जो प्रकाश है वो कभी कम मात्रा में हम तक पहुंचता है तो कभी अधिक मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण तारों की जो तीव्रता है, जो प्रकाश की तीव्रता है, वो कभी कम दिखाई देती है तो कभी अधिक दिखाई देती है। तारा कभी कम चमकीला दिखाई देता है तो कभी अधिक चमकीला दिखाई देता है, इसीलिए वो तारा अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। और इसकी वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति में भी अंतर होता है। जब भी किसी भी वस्तु से आता हुआ प्रकाश जब अपवर्तित होकर हम तक पहुंचता है तो वह वस्तु जहां होती है वहां नहीं दिखती, बल्कि कहीं किसी और दिशा में दिखाई देती है। तो तारों के साथ भी ऐसा ही है, तारों का जो प्रकाश है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता हुआ हम तक पहुंचता है, इसलिए वहां पर अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के कारण तारों की वास्तविक स्थिति थोड़ी नीचे होने के बावजूद भी तारा हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, उसकी स्थिति कहीं और दिखाई देती है। तो ये अपवर्तन के कारण ही तारे की आभासी स्थिति और वास्तविक स्थिति बनती है, और तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि तारा एक बिंदु स्रोत की तरह से होता है, तारा एक पॉइंट सोर्स है ना, एक पॉइंट की तरह है, प्रकाश का एक पॉइंट सोर्स है, और वायुमंडल की हवा का अपवर्तनांक जमीन, जैसे जैसे ज़मीन की ओर जाते हैं तो अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, हवा का घनत्व तो बढ़ता है तो अपवर्तनांक भी बढ़ता है। तो तारे से आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में से अपवर्तन होते समय तारे का प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, और तारा थोड़ा सा हमको अधिक ऊंचाई पर महसूस होता है, यानी वास्तविक स्थिति थोड़ी नीचे होती पर आभासी स्थिति थोड़ा सा ऊपर हमको दिखाई देता है, जबकि ऊपर नहीं होता पर ऐसा हमको आभास होता है कि वो ऊपर है। तो ये अपवर्तन के कारण उसकी आभासी स्थिति बदलती रहती है। और टिमटिमाता क्यों है? देखिए, हवा निरंतर गतिशील रहती है, ये जो हवा है वो निरंतर गतिशील रहती है, और घनत्व और तापमान बदलता रहता है, तो वायुमंडल इसकी वजह से स्थिर नहीं होता। इस कारण किसी भी भाग की हवा का अपवर्तनांक निरंतर और आसानी से बदलता रहता है, और इस प्रकार अपवर्तनांक में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, इसके कारण तारों की आभासी स्थिति और उसकी प्रखरता भी लगातार बदलते रहती है, और इसीलिए तारे हमेशा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए, यहाँ ग्रह के बारे में दिया है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ग्रह जो है वो बिंदु स्रोत नहीं है, प्रकाश का बिंदु स्रोत नहीं है, बल्कि वो बिंदु स्रोतों का समूह है, क्योंकि तारों की अपेक्षा बड़ा होता है ग्रह,
जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये तारों की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है, तो नज़दीक होने के कारण, चूँकि बड़ा नहीं होता लेकिन पृथ्वी के निकट होने के कारण हमें बड़ा दिखाई देता है, और इसलिए वो बिंदु के अनेक स्रोत का समूह है, बिंदु स्रोतों का समूह है। तो उसमें से क्या होता है कि यदि कुछ बिंदु, यदि कुछ बिंदुओं की प्रखरता कम भी हो जाए तो भी अन्य बिंदुओं की प्रखरता तीव्र बनी रहती है। इसलिए जो औसत जो प्रखरता है, औसत जो चमक है ग्रह की, वो बनी रहती है, इसलिए वो हमेशा एक ही, उसकी प्रखरता स्थिर रहती है और इसलिए वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। जबकि जो तारे होते हैं वो दूर होने के कारण केवल एक डॉट जैसा, एक बिंदु का एक प्रकाश बिंदु स्रोत जैसा होता है, तो वो प्रकाश बदलते हुए, वायुमंडल के बदलते हुए अपवर्तनांक के कारण उसकी तीव्रता कभी कम और ज़्यादा होती है। तो इसलिए तारे तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। अपवर्तन के कारण एक और घटना होती है जिसे कि मृगमरीचिका कहते हैं। मृगमरीचिका क्या होता है अब समझ लेते हैं। इसमें देखिए, गर्मी के समय में क्या होता है कि ज़मीन जो है गर्म हो जाती है। ज़मीन गर्म होने के कारण, ज़मीन के, यहाँ गर्म ज़मीन है तो गर्म ज़मीन के संपर्क में जो हवा होती है नीचे, वो हवा भी गर्म होती है, और गर्म हवा कभी भी विरल होती है, पतली होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडी हवा ठंडी होती है, यानी कि सघन होती है। ठंडी हवा का घनत्व गर्म हवा से ज़्यादा होता है, तो ठंडी हवा विरल होती है, सॉरी सघन होती है, और गर्म हवा विरल होती है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये गर्म और ठंडी हवा होने के कारण प्रकाश का वहाँ पर अपवर्तन होता है। जैसे कि ये वस्तु है, ये वृक्ष है, यहाँ से जो प्रकाश किरण जो निकल रही है, यहाँ से ये परावर्तित हो रही है, वो यहाँ पर अपवर्तित होकर के हम तक आती है। तो अपवर्तित होकर के हम तक आती है, तो मैंने अभी समझाया कि जब कभी अपवर्तन होता है तो क्या होता है कि वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति कहीं बदल जाती है। तो वृक्ष का की आभासी स्थिति बनती है, यानी कि एक प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, तो यहाँ वस्तु से जो आती हुई प्रकाश किरण है वो हमें उसके प्रतिबिंब से आते हुए दिखाई प्रतीत होती है। जो किरणें जो आती हैं हमको ऐसा लगता है कि उसके प्रतिबिंब से निकल करके हमारे पास आ रही हैं, तो इसी को मृगमरीचिका कहते हैं। मृगमरीचिका एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। तो मृगमरीचिका आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि दूर की वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो उस वस्तु के ज़मीन पर बनने वाले प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती है, इसे ही मृगमरीचिका कहते हैं। मृगमरीचिका ये अक्सर वहाँ रेगिस्तानी जो इलाके हैं, जो बालू वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ पर भी महसूस होता है, कि जब बालू जो इलाके हैं या फिर गर्मी के समय सड़क पर यदि आप चलिए तो आपको देखने पर ऐसा दिखाई देगा कि वहाँ पर पानी है, लेकिन वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे उस स्थान पर तो पानी नहीं, वहाँ पर वो सड़क ही रहती है। ये आप में से बहुतों ने इस चीज़ को अनुभव किया है। तो इसी को मृगमरीचिका कहते हैं। मृग यानी हिरण होता है, हिरण भी इसी भ्रम में जंगल में भटकता रहता है। उसे गर्मी के समय जब वो प्यासा होता है तो उसे अपवर्तन के कारण पानी होने का भ्रम महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए बढ़ता है तो पानी वहाँ पर गायब हो जाता है, वो वहाँ पर कुछ और ही पदार्थ होता है। तो इसको इसीलिए मृगमरीचिका इसे कहा जाता है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना। प्रकाश किरण यहाँ वस्तु से आ रही हम तक, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो प्रकाश किरण वस्तु के प्रतिबिंब से हम तक पहुँच रही है। तो अपवर्तन के कारण मृगमरीचिका, तारों की आभासी स्थिति, तारों का टिमटिमाना,
ये सारी घटनाएं होती हैं। और एक घटनाएं एक प्राकृतिक घटना और है जो कि अपवर्तन के कारण ही होती है। सुबह सूर्योदय और शाम को जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य थोड़ा अधिक समय तक हमें क्षितिज पर दिखाई देता है, तो ये भी घटना अपवर्तन के वजह से होती है। क्यों होती है, आइए समझते हैं इस आकृति में। जैसे मान लेते हैं हम ये सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्य देखिए अभी भी नीचे है, ये यानी सूर्योदय हुआ नहीं है, तो सूर्य अभी नीचे होने के बाद भी इसकी किरण देखिए अपवर्तन के कारण हम तक पहुंचती रहती हैं, और इसके वजह से सूर्य की आभासी स्थिति हमको ऊपर दिखाई देती है। जबकि सूर्योदय नहीं हुआ है फिर भी आभासी स्थिति के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो चुका है, और वास्तविक धीरे धीरे सूर्य जब अपनी ऊपर आता है, अपनी आभासी स्थिति जहाँ पर है वहाँ पर जब सूर्य पहुँचता है तब तक हमें वो सूर्य क्षितिज पर दिखाई देता रहता है, इसलिए सूर्योदय हमें थोड़ा अधिक समय तक दिखाई देता है। उसके बाद सूर्य की स्थिति हमको जल्दी जल्दी बदलते हुए दिखाई देती है, लेकिन जब सुबह सूर्योदय होता है तो हमें एक ही स्थान पर सूर्य अधिक समय तक दिखाई देता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण हमें पहले उसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है और उसके बाद सूर्य की वास्तविक स्थिति भी उसी जगह हमको दिखाई देती है। तो इसलिए सूर्योदय हमें के समय सूर्य हमें अधिक समय तक क्षितिज पर एक ही स्थान पर दिखाई देता है। ऐसे सूर्यास्त होते समय भी देखिए, मान लो सूर्यास्त हो रहा है तो हमें यहाँ सूर्य अब भी दिख रहा है, जब सूर्यास्त हो गया तब भी अपवर्तन के कारण जो सूर्य की आभासी स्थिति है वो हमें ऊपर आकाश में दिखाई देती रहती है। पहले जब वास्तव में सूर्य था तब भी दिख रहा था, अब सूर्य हमारी आँखों से ओझल होने के बाद भी उसकी आभासी स्थिति हमको अपवर्तन के कारण दिखाई देती रहती है, इसलिए सूर्यास्त के समय भी सूर्य थोड़े अधिक समय तक हमको क्षितिज पर यानी कि आकाश में दिखाई देता रहता है। तो अपवर्तन के कारण जो सूर्यास्त और सूर्योदय है वो थोड़ा सा अधिक समय तक हमें प्रतीत होता है। तो ये था अपवर्तन और उसके कुछ प्राकृतिक उदाहरण। अब प्रकाश का विक्षेपण हम समझ लेते हैं। देखिए विक्षेपण का सीधा सा अर्थ है कि जब कभी कभी सफ़ेद रंग के प्रकाश किरण जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो जब उस माध्यम से वो किरण बाहर निकलती है तो सात रंगों में विभक्त होकर बाहर आती है, लाल नारंगी, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, इस तरह से सात रंग होते हैं। तो ये सफ़ेद रंगों का सात रंगों में विभक्त होना यही विक्षेपण कहलाता है। तो देखिए यहाँ परिभाषा दी गई है, किसी भी पदार्थ माध्यम में यानी किसी भी माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। पृथक होना यानी स्प्लिट होना, विभाजित हो जाना, अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाना, तो इसे ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब इसके घटक रंग कौन से हैं, देखिए लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, ये इसी क्रम में होता है। इसको याद रखने का एक बड़ा सुंदर तरीका है, लाल ना पी हनी आ बैट, एक सेंटेंस है, माँ अपने बच्चों को लाल कहती है ना, लाल कि मेरे लाल ना पी हनी हनी आ बैट, लाल ना यानी नारंगी, पी हनी यानी पीला, हरा, नीला, आ बैट यानी आसमानी, बैंगनी। तो सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है वो कभी कभी किसी माध्यम में से जाते समय अपने सात घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे ही विक्षेपण कहते हैं।
ये जो सात रंगों का जो क्रम है इसे वर्ण क्रम कहा जाता है। वर्ण क्रम, वर्ण का मतलब होता है कलर, रंग, और क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। तो सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है वो अपने सात घटक रंगों में विभक्त होता है, इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होते कहते हैं। ये सात रंगों का एक निश्चित क्रम होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, इसे वर्ण क्रम कहा जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए हर एक रंग का अलग अलग अपवर्तन होता है, अपवर्तनांक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए वो थोड़ा सा कम मुड़ता है। नारंगी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग से ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा अधिक मुड़ जाता है वो। पीला रंग थोड़ा और अधिक मुड़ता है क्योंकि उसका अपवर्तनांक और अधिक होता है। नारंगी जो बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण वो सबसे अधिक मुड़ जाता है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। तो इसीलिए लाल रंग सबसे ऊपर होता है, बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है, और बाकी रंग भी अपने अपने अपवर्तनांक के कारण इसी अलग अलग क्रम में होते हैं। तो ये अलग अलग रंगों का अलग अलग अपवर्तनांक होने के कारण ये वर्ण क्रम बनता है। इसमें ये लाइन आप लोग याद कर लेना, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि लाल तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है 700 नैनोमीटर। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, जिसे इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, सबसे अधिक होती है और कितना होती है 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। और बैंगनी रंग की जो तरंगों की का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, कितना होता है 400 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन किस रंग के किरण का होता है और कितना होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और वह 700 नैनोमीटर के निकट होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है और वो 400 नैनोमीटर के आसपास होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ये जो न्यूटन, जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे न्यूटन, इन्होंने सबसे पहले प्रिज्म का उपयोग किया था ये वर्ण क्रम को प्राप्त करने के लिए। वर्ण क्रम यानी ये सात रंग। तो न्यूटन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रिज्म का उपयोग किया था। ये प्रिज्म है, देखिए, प्रिज्म यानी कि ऐसा एक पारदर्शी कांच जिसके अलग अलग सतह होती है। जैसे देखिए 1, 2, 3, इसके 3 सतह हैं। तो ऐसा कांच का टुकड़ा जिसके अलग अलग सतहें होती हैं, अनेकों एक से अधिक सतह होती है, वो प्रिज्म की तरह कार्य करता है। और उसमें से ये वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो न्यूटन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा सात रंगों में विक्षेपण होता है, और ये प्रयोग न्यूटन ने सबसे पहले किया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि दो प्रिज्मों की सहायता से श्वेत आपतित प्रकाश से श्वेत निर्गत प्रकाश कैसे प्राप्त किया जा सकता है। या कि देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म यदि हम रखते हैं तो क्या होता है, जो श्वेत आपतित प्रकाश है वो सात रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी निर्गत जो प्रकाश है, निकलने वाला जो प्रकाश है वो सात रंगों में निकल रहा है। प्रश्न क्या पूछा है कि यदि हम दो प्रिज्म की सहायता से क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सफ़ेद किरण ही आपतित हो, आने वाली किरण भी सफ़ेद हो और बाहर निकलने वाली किरण भी सफ़ेद हो। श्वेत आपतित प्रकाश यानी आने वाला प्रकाश भी सफ़ेद हो और श्वेत निर्गत प्रकाश, निकलने वाला प्रकाश भी श्वेत हो, सफ़ेद हो, दो प्रिज्मों की सहायता से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये पूछा गया है। देखिए जब हम लोग एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं तो जो सफ़ेद रंग की रोशनी आती है ये
सात रंगों में विभक्त हो जाती है। अब ये जो सात रंग जो निकल रहे हैं, इसके सामने यदि हम एक प्रिज्म उल्टा करके रख दें तो ये सातों रंग फिर से अपवर्तित होकर के सफ़ेद रोशनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से दो प्रिज्म का उपयोग करके हम सफ़ेद आपतित किरण प्राप्त कर सकते हैं और सफ़ेद निर्गत किरण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया है कि कांच के लोलक लगे हुए झूमर जिसमें टंगस्टन बल्ब का प्रकाश प्रिज्म से जाते समय उसका विक्षेपण होता है और हमें रंग बिरंगा वर्णक्रम दिखाई देता है, क्या टंगस्टन बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब लगाया जाए तो इस प्रकार का वर्णक्रम प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। एलईडी बल्ब लगाने पर हमें वर्णक्रम प्राप्त नहीं हो सकता एलईडी से, क्योंकि ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की किरणें जिस प्रकाश में होती हैं सिर्फ उसी प्रकाश से हमें ये सात रंगों का वर्णक्रम प्राप्त हो सकता है, जबकि एलईडी लाइट में ये तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणें नहीं पाई जाती। इसलिए एलईडी जो लाइट है, एलईडी लाइट से वर्णक्रम प्राप्त नहीं हो सकता। आइए समझते हैं आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। देखिए, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तब उसका आंशिक रूप से परावर्तन होता है, अर्थात परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में पुनः लौटता है। इसे ही आंशिक परावर्तन कहते हैं, यानी कुछ भाग यहाँ पर परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पानी है, ये पानी है और इसके बाहर हवा है, तो ये सघन माध्यम हो गया और बाहर विरल माध्यम हो गया। तो प्रकाश किरण देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पे कुछ प्रकाश का परावर्तन हो जा रहा है, उसी माध्यम में कुछ प्रकाश फिर से पानी में लौट रहा है, कुछ प्रकाश हवा में चला जा रहा है, तो यहाँ आंशिक परावर्तन हो रहा है, यानी पूरा का पूरा प्रकाश परिवर्तित नहीं हुआ, कुछ प्रकाश परिवर्तित हुआ, कुछ प्रकाश अपवर्तित हुआ। तो वही चीज़ यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में समझाया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, इसे आंशिक परावर्तन कहते हैं, और जो प्रकाश का उर्वरित भाग है, जो बचा हुआ जो प्रकाश है, वो अपवर्तित होता है। यहाँ देखिए बचा हुआ भाग जो है अपवर्तित हुआ। अब आगे क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ में क्या समझाया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब स्नेल के नियम के अनुसार ये आई और आर का अनुपात स्थिर होना चाहिए, तो इसलिए जब ये आई का मान बढ़ता है, देखिए यहाँ पर ये कोण आई थोड़ा छोटा है, यहाँ कोण आई थोड़ा बढ़ा है, बढ़ गया है, तो जैसे जैसे अपवर्तन कोण यानी कि आई जब बढ़ता है तो आर भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर देखिए आई का मान कम है तो यहाँ आर भी कम है, आई का मान बढ़ गया, आर का मान और बढ़ गया। तो इस तरह से आई का मान बढ़ाते समय आई का एक ऐसा मान आता है जब ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है, जो परावर्तन कोण है, ये 90 अंश का हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये आपाती किरण है और परावर्तित किरण ठीक यहाँ 90 डिग्री पे सतह पे ही हो रहा है, तो ये जो ऐसा आपतन कोण है, ऐसे आपतन कोण का माप जब यहाँ अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो ये यहाँ पर समझाया गया है कि देखो आई के एक विशेष मान के लिए आर का मान 90 अंश होता है, इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आई सी लिखा गया है। अब यदि ये आपतन कोण को यदि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और बढ़ाया जाए यदि,
कि क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा यदि बढ़ा दिया जाए आपतन कोण को, तब ये जो प्रकाश किरण है वो सीधा पूरा का पूरा प्रकाश किरण पानी के अंदर वापस आ जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए अभी तक आई का मान जब थोड़ा कम था तो कुछ प्रकाश परावर्तित होता था, कुछ प्रकाश अपवर्तित होता था, आंशिक परावर्तन। यहाँ पर भी देखिए आंशिक परावर्तन है, कुछ प्रकाश अपवर्तित हो गया, कुछ प्रकाश परिवर्तित हुआ, आंशिक परावर्तन हुआ। यहाँ पर फिर देखिए 90 डिग्री है तो इसे ना तो अपवर्तन कह सकते हैं ना ही परावर्तन कह सकते हैं, क्योंकि ये हवा और पानी दोनों के बॉर्डर से यहाँ पर प्रकाश निकल रहा है। और ऐसे समय पे यहाँ पर आर का मान 90 होता है और जो आई का जो मान होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। आई का मान यदि क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए तब पूरा का पूरा प्रकाश पानी में लौट आता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी चीज़ को, इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है कि आई के एक विशेष मान के लिए आर का मान 90 होता है, आई के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, और यदि इससे अधिक आपतन कोण वाली किरणों के लिए आर का मान 90 से भी अधिक होता है और वे किरणें सघन माध्यम में पुनः लौट जाती हैं। इस स्थिति में संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होता है और इस प्रक्रिया को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस डायग्राम में इस चीज़ को समझाया गया है। ये आंशिक परावर्तन है, नंबर वन देखिए आंशिक परावर्तन, सेकेंड आई वन के टाइम भी देखिए आंशिक परावर्तन हो रहा है। ये जो आई सी है ये आपका क्रांतिक कोण है और ये लास्ट वाला जो है वो पूर्ण परावर्तन है। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है कि इंद्रधनुष की निर्मिति कैसे होती है। इंद्रधनुष का की जो निर्मिति होती है उस समय एक ही साथ में देखिए अपवर्तन की घटना भी होती है, परावर्तन की घटना भी होती है और विक्षेपण की घटना भी होती है। तीनों चीज़ें होती हैं। कैसे होती मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इंद्रधनुष कब बनता है, बरसात के मौसम में जब बारिश बंद हो गई हो और सूर्य और धूप निकली हो, लेकिन फिर भी बारिश की कुछ बूंदें वातावरण में हों, तो ऐसे समय में इंद्रधनुष बनता है। कैसे बनता है, देखिए सूर्य की जो सफ़ेद रंग की प्रकाश किरणें हैं वो पानी के बूंद में प्रवेश करती हैं। प्रवेश करते समय जो पानी की बूंद है वो एक प्रिज्म की तरह से कार्य करती है, जिसके कारण प्रकाश की किरणों का यहाँ पर अपवर्तन भी होता है और विक्षेपण होता है। विक्षेपण यानी सात रंगों में विभक्त हो जाता है। उसके बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जैसा अभी ऊपर हमने देखा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर वो पानी के बूंद के अंदर ही उन सातों के सातों जो वर्णक्रम है उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद में फिर से यहाँ पर उन सभी वर्णक्रम का अपवर्तन होता है और ये अपवर्तित होकर के हम तक पहुँचती हैं और इस तरह से हमें सात रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसलिए इंद्रधनुष का निर्माण होते समय अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण, ये तीनों घटनाएं होती हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। जो इंद्रधनुष का बनना है वो अनेक प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रीकरण है। इंद्रधनुष प्रकार के विक्षेपण, प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटनाओं का एकत्रित परिणाम है। कब बनता है, मुख्यतः बरसात हो जाने के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, वायुमंडल कि पानी की सूक्ष्म बूंदों में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तब पानी की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का अपवर्तन विक्षेपण होता है। यहाँ पर देखिए किरणें प्रवेश की बूंद में, तो यहाँ पर अपवर्तन और विक्षेपण दोनों हो रहे हैं। इसके पश्चात बूंद के अंदर आंतरिक परावर्तन होता है। ये देखिए आंतरिक परावर्तन, ये आंतरिक परावर्तन
यांत्रिक परावर्तन होता है और अंत में बूंद से बाहर आते समय पुनः अपवर्तन होता है। ये प्रकाश जब बूंद से बाहर आ रहा है तो फिर से अपवर्तन हुआ। और इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रित परिणाम सप्तरंगी इंद्रधनुष के रूप में देखने को मिलता है। तो ये परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी ये डायग्राम बना देगा और बोलेगा कि इस आकृति का वर्णन करिए, या फिर इंद्रधनुष बनते समय अपवर्तन, विक्षेपण और परावर्तन तीनों घटनाएं होती हैं, स्पष्टीकरण दो इसका। तो आपको ये पैराग्राफ आपको लिखना है डायग्राम बना करके। अब यहाँ पर कुछ सवाल हल किए हैं। पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.36 हो तो प्रकाश का पानी में वेग कितना होगा। लेकिन निरपेक्ष, जब भी निरपेक्ष वर्ड आ गया मतलब यहाँ पर एक माध्यम निर्वात होगा, निर्वात यानी वैक्यूम। तो निर्वात में प्रकाश का वेग हमेशा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ V1, इसे V1 मान लेंगे। निरपेक्ष जब भी आया तो ये आपको लिखना पड़ेगा। V1 यहाँ 3×10⁸ हो गया। अपवर्तनांक यहाँ दिया है 1.36 और हमें पानी में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक का सूत्र है V1/V2। ये माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक। तो V1/V2, n का मान और V1 का मान डाल दिया, तिर्यक गुणा करेंगे और इसको भाग देने के बाद ये V2 यानी कि पानी में प्रकाश का वेग मिल जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, एक माध्यम में 1.5×10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से जाने वाला प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग 0.75×10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष देखिए, ये यहाँ पर बराबर दिया है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के, यहाँ पर देखिए फिर उल्टा दिया है लेकिन यहाँ वापस से सीधा कर दिया है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। तो ये यहाँ 2 यहाँ होना चाहिए। किसका सापेक्ष ज्ञात करना है? दूसरे माध्यम का सापेक्ष ज्ञात, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, यानी 2 इधर होना चाहिए और 1 यहाँ होना चाहिए।